हेलो दोस्तों, तो आज हम महाराज पुरु के बारे में जानेंगे। तो पुरु ययाति जी और शर्मिष्ठा जी के सबसे छोटे पुत्र हैं। उनके बाकी चार बड़े भ्राता थे, यदु, तुर्वसु, ध्रुयु और अनु। परंतु एक बार कथा में ऐसा आता है कि शुक्राचार्य जी ने ययाति जी अर्थात पुरु के पिता को श्राप दे दिया कि आपकी ओल्ड उम्र हो जाएगी, अर्थात आपकी बूढ़ी उम्र आ जाएगी। पर उन्होंने अपने पिता का श्राप खुद पर ले लिया। तो इससे प्रसन्न होकर ययाति जी ने बोला कि आप ही राज्य का कार्यभार संभालिए। वो हालांकि सबसे छोटे थे, सबसे बड़े पुत्र को दिया जाता है राज्य का कार्यभार, परंतु उन्होंने पुरु को दिया। तो पुरु बहुत प्रतापी राजा हुए और उसके बाद में इन्हीं के राज्य में, इन्हीं के वंश में आगे जाके कौरव और पांडव हुए। परंतु इनके बाद में एक कुरु राजा हुए, जिनके बारे में मैंने एक अलग वीडियो बनाया है, उन्हीं के नाम पे वो कौरव वंश नाम पड़ गया। पर उससे पहले जो वंश था उसका नाम इनके नाम पर था। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद दोस्तों।